प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के खुशहाल कपूरा गांव में खेत में बेहन लगाते समय दो महिलाएं आकाशीय बिजली गिरने से मौत और कुराकाट गांव में भैंस चराते समय एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। बता दें कि मंजू देवी पत्नी संजय कुमार उम्र 45 साल और मुन्नी देवी पत्नी दीपचंद उम्र 48 वर्ष बेहन की रोपाई कर रही थी, दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना कुराकाट गांव की है। उमा शंकर पुत्र राम सजीवन उम्र 35 वर्ष जो भैंस चरा रहे थे कि आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना होने पर उपजिलाधिकारी हंडिया क्षेत्राधिकारी हंडिया थाना प्रभारी हंडिया तीनों घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तहसील हंडिया में आकाशीय विद्युत से ग्राम तारा गांव और ग्राम कुराकाट में दो घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। मैं स्वयं और हमारे प्रभारी निरीक्षक भैया और हमारे तहसीलदार भैया हम तीनों लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घटना की पुष्टि हुई है, दो महिलाओं की तत्काल आकाशीय विद्युत से मृत्यु हो चुकी है और दूसरा जो ग्राम कुराकाट का व्यक्ति है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसको उसके परिजन यहाँ शायदपुरा हॉस्पिटल में लाए थे, यहाँ पर लाने से पूर्व ही उसके यहाँ पे आकाशीय विद्युत से मृत्यु हो चुकी है। तीनों शवों को स्थानीय थाना के द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शासकीय सहायता के अंतर्गत प्रति मृतक हम 4 लाख रुपए की सहायता की दिलाए जाने की कार्रवाई मृतक के परिवार को कराना प्रारंभ कर दी है। आगे उनकी आर्थिक सहायता और शासन से जो निर्देश प्राप्त होगा हम उसका पालन करेंगे।